आदरणीय मंच, प्रेसिडेंट प्रोफेसर ख्वाजा इजहाद साहिब, प्रोफेसर नाखलेची, डॉक्टर यूसुफ सर, यहाँ सभी उपस्थित मेरे भाई और बहनों और बच्चों, आज ह्यूमन राइट्स डे के उपलक्ष में हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं सबको इस दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। शुभकामनाएं मैं इसलिए देना चाहती हूँ कि जैसे नाखले सर ने अभी कहा है कि अब तक फर्स्ट कॉलम में ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेशन के लिए जितने व्यूज आते थे या फिर यहाँ यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है, तो आज ही उनको ये देखने को नहीं मिला है। लेकिन मैं यहाँ हॉल में उपस्थित संख्या देख के मुझे ये बहुत खुशी मिल रही है कि ह्यूमन राइट्स सेलिब्रेशन या फिर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन के लिए लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इतना समय हो जाने के बावजूद भी बरकरार है, संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। सो दिस इज़ वेरी वेलकम मेजर एंड वेलकम स्टेप फ्रॉम द वेरी सिटीजन्स, दोज हु आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि बीइंग द क्लास ऑफ द सोसाइटी दैट इज कॉल्ड वुमन, ये क्लास से मैं बिलोंग करने के करती हूँ, और इसी के वजह से स्त्रियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं या फिर उनके ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है, उनके प्रति मैं अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत रख रही हूँ। जैसे आपको सबको पता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, इसका जो हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, बहुत पीछे नहीं, जैसे हम 100 साल पहले जाते हैं या फिर फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के वहाँ जाते हैं, तब जाते हैं, तो इस दौरान देखा गया है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये सबसे ज़्यादा इसी दौरान हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे करोड़ों मौतें हुई है, बहुत सारे बच्चे निराधार हो गए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपंग हो गए हैं। और ये सब क्यों हुआ है? ये सब ये हुआ इसीलिए हुआ है कि कोई एक समाज, कोई एक एक ऑर्गेनाइजेशन को एक वर्ल्ड पे उनको एक सामर्थ्य दिखाना था, और इसके तहत ये सब वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन रिजल्ट में क्या है? रिजल्ट में आ रहा है कि करोड़ों लोगों का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। इसमें देखा गया है कि ह्यूमन राइट वायलेशन ये सबसे ज़्यादा महिलाओं को हुआ है। महिलाओं के ह्यूमन राइट्स वायलेशन के बारे में बहुत सारी बातें, ना कि देश में लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसका एक आंदोलन चल रहे हैं। और ये आंदोलन, जैसे कि एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी, जैसे हमारे यहाँ जल में जो अंडर ट्रायल्स है या फिर जो जेल में मौजूद एक्यूज है उनके अगेंस्ट में, विशेषतः स्त्रियों के ऊपर, यहाँ पे उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं जिसकी कोई दखल नहीं ले रहा है, वैसे ही द पोजिशन इज नॉट सो डिफरेंट एट इंटरनेशनल लेवल या फिर डेवलप्ड कंट्रीज में भी ये द सिचुएशन इज वेरी सेम। यहाँ पे एक सोशल एक्टिविस्ट है, ह्यूमन एक्टिविस्ट है, जिनका नाम है पावेस, थेटा पावेस। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ऐसा इंसिडेंट बयान किया है, वो बोलती है कि जेल में एक डिलीवरी का समय था और वो डिलीवरी के समय पे दैट लेडी, वो हैंडकफ थी, उसको बांध के रखा गया था और वो उसी स्थिति में उसकी डिलीवरी करवा दी गई। तो आप देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कहाँ तक ये उसकी एक लिमिट है। तो आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी द सिचुएशन इज सेम, और भारत में हम देखते हैं कि मानवाधिकार का जो भी आंदोलन चल रहे हैं, उनके हनन के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं, उसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि मानव अधिकार यानी क्या। ऐसे मैं देख रही हूँ कि अभी अभी मैंने पढ़ा है कि ये जो मूवमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है, इनका वन ऑफ द गोल्स जो है दैट इज मानव अधिकार का संरक्षण करना या फिर स्त्रियों को समाज में उनका एक स्थान प्रदान कर देना। दिस इज वेरी अप्रिशिएट द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मूवमेंट मेकर्स।
जैसे हम बोलते हैं कि मानव अधिकार मिलते हैं और ये जो राइट्स हैं ये इस उसके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ये अधिकार इसके लिए है कि मानव ये मानवता यानी जो भी ट्रीटमेंट उसको मिले वो मानवता ट्रीटमेंट मिले, एक ह्यूमन ट्रीटमेंट मिले, और इसी के अंतर्गत ये मानव अधिकार ये सभी को चाहिए। एक ऐसा दृष्टिकोण सामने आता है या फिर ये कर्मीर है, एक आवश्यकता है। जब हम जाते हैं अगर हम जाते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हैं, दैट इज फॉर द स्टेट पॉलिसी, और स्टेट पॉलिसी पॉलिसी होल्डर्स ने वो ह्यूमन राइट्स देने के लिए वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पॉलिसी में वो अंतर्गत करने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स को हम जैसे बोल सकते हैं कि एक हथियार है हमारे पास में। कॉन्स्टिट्यूशन में ब्लैक एंड व्हाइट में हमको ये अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार अगर हम स्त्रियों के दृष्टि से देखते हैं तो जैसे इक्वालिटी है, यानी कायदा कानून के सामने समानता है। फिर एम्प्लॉयमेंट में उनको उनके लिए भी एम्प्लॉयमेंट निकले, उनके लिए उनको एम्प्लॉयमेंट में जगह मिले। या फिर हम जैसे देखते हैं कि आर्टिकल 19 है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और बाकी जो फ्रीडम्स जो सभी के लिए हैं वो औरतों के लिए भी है। आर्टिकल 21 विच इज़ वेरी मोस्ट दैट इज द पर्सनल लिबर्टी का है। तो ये सब फंडामेंटल के तहत ये क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सब फंडामेंटल राइट्स हमको दिए हैं, भारतीय नागरिक को फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो एक मानवतावाद दृष्टिकोण हमको यहाँ पे एक दिखता है। डॉक्टर अंबेडकर बोलो, जो घटना के शिल्पकार है, इज द मेन लीडर ऑफ दैट फॉर्मुलेशन कमिटी। या फिर आप जैसे बाकी कोई समाज सुधारक देखते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं या फिर छत्रपति शाहू महाराज, इनका मेन एम था कि जो भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति, वो स्त्री हो या पुरुष हो, वो उच्च जाति का या निचली जाति का हो, या फिर वो गरीब बहुत ही गरीब हो, या फिर फाइनेंशियली वेरी साउंड, ये सभी समान होने चाहिए। और वो समानता दिखाने के लिए ये सब राइट्स ये सब सभी लोगों को दिए हैं। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है कि ये समानता में लाने के लिए, जैसे हमने देखा है कि औरतों को एक द्वितीय स्थान दिया है समाज में, दे आर ट्रीटेड एज एट द सेकंड प्लेस, तो ये सेकंड प्लेस को उनको फर्स्ट प्लेस पे लाने के लिए या फिर समान रखने के लिए ये भी प्रावधान किया है या फिर प्रोविजन किया गया है कि उनके लिए अलग से कायदे भी बनेंगे, जो कायदे सिर्फ लेडीज लोगों के लिए होंगे या फिर औरतों के लिए होंगे, जिसमें हम देखते हैं जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट देखते हैं या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट या फिर प्रीनाटल डायग्नोस्टिक जो स्त्री भ्रूण हत्या के इसमें है। तो ये जो भी हमने एक्ट्स देखे हैं ये सभी एक्ट्स रिफ्लेक्ट करते हैं वही मानवतावादी दृष्टिकोण, जिसमें स्त्री को एक प्रोटेक्शन दिया है, स्त्री को संरक्षण दिया है, और वही उसके तहत ये सब इनैक्टमेंट्स आए हैं। द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट जैसे बोला जाता है कि UDHR है, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये वही बोलता है कि स्त्रियों को समान अधिकार मिलना चाहिए, और वही एक स्त्रियों के बारे में एक जो धारणा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान किया गया है, एंड ये इसका रिफ्लेक्शन हमको बाकी सभी कानूनों में दिखता है। एक और बात है कि जैसे मैंने बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमको अधिकार तो मिल गया है, लेकिन ये अधिकार ये भारत के जो भी नागरिक हैं उनको ये अधिकारों के बारे में पता है क्या? प्रश्न यहीं पे है कि अगर उनको अधिकार पता है तो ही अगर उसका हनन होता है तो उसके बारे में वो आवाज उठा सकेंगे या फिर फाइट कर सकेंगे। ऐसा जाना जाता है या फिर ऐसा एक स्टडी ऐसा बोलता है कि बहुत सारे लोग जो है जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, जो इलिटरेट है, उनको अधिकार क्या है, मूलभूत अधिकार क्या है, इसका भी पता नहीं है। तो उसका अधिकार क्या है इसका ही पता नहीं है, तो वो वायलेट हो रहा है या फिर उसका प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है, तो दैट इज द वेरी डिफरेंट और डिस्टेंस थिंग, बहुत दूर की सोच है ये। तो इस सिलसिले में हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उनको वो अवेयरनेस लाया जाए
यस यू आर द होल्डर ऑफ दिस राइट्स, आपको ये अधिकार है, अगर आपका हनन ये अधिकारों का हनन होता है तो आपके पास में ये रेमेडी है। इसका अगर उनको एक जानकारी दी जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे केसेस में ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन ये का रेट हम कम कर सकते हैं। इसके लिए और भी जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी, ये जानकारी बढ़ाने लेने के लिए या फिर अवेयरनेस लाने के लिए कि यस यू आर होल्डिंग दीज राइट्स, इसके लिए हमको कुछ लीगल एक्सपर्ट्स ये तैयार करने होंगे। ये लीगल एक्सपर्ट्स ये काम करेंगे, ये अवेयरनेस फैलाएंगे रिगार्डिंग द ह्यूमन राइट्स विच आर देयर और इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके अगेंस्ट में ह्यूमन राइट्स वायलेशन के अगेंस्ट में वो फाइट करेंगे। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू प्रिपेयर टू फॉर्म सच काइंड ऑफ द लीगल एक्सपर्ट्स कि ये जो अपने प्रोटेक्शन करेंगे, अधिकारों का प्रोटेक्शन करेंगे, स्त्रियों के अधिकारों का प्रोटेक्शन करेंगे, अगर वहाँ पे वायलेशन होता है तो वो प्रोटेक्ट करेंगे। ऐसा माना जाता है कि हाँ हमारे पास में कानूनी व्यवस्था है, हमारे पास न्यायालय है, तो न्यायालय ये किसके लिए है? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार हमको दिए हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों का जब हनन होता है देन वी कैन गो टू द कोर्ट। कोर्ट में कैसे, दिस इज अंडर आर्टिकल 32 ये प्रोविजन किया गया है, अंडर रिट पिटिशन द पिटिशन कैन बी फाइल्ड। और अभी आजकल एक नया दौर आया है दैट इज कॉल्ड एज ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो जहाँ पे भी एक समूह का कुछ राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल किया जा सकता है। और ये काम, ये जो हमारे लीगल एक्सपर्ट्स जो हम फॉर्म करने वाले हैं, लीगल एक्सपर्ट हम जो तैयार करने वाले हैं वो इसमें काम कर सकते हैं। सो ये है कि जस्टिस हमको मिलना चाहिए, लेकिन उसमें एक और बात है कि अगर जस्टिस मिलता है तो जस्टिस वो तुरंत मिले, ना कि वो जस्टिस इट शुड बी द डिलेड वन। अगर वो डिलेड होता है तो द थिंग इज दैट यू हैव नॉट गॉट दैट जस्टिस। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, या फिर जस्टिस हमको मिलता है तो सिर्फ मिलना दैट इज नॉट नेसेसरी और दैट इज नॉट सफिशियंट, इट शुड बी सीन टू बी डन, यानी जस्टिस हो रहा है ये दिखना चाहिए। सो इसके लिए ये ह्यूमन राइट का वायलेशन अगर हो रहा है देन दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस द ईच एंड एवरीबडी इज प्रेजेंट इन द हॉल, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमन। दूसरा मुद्दा आता है जो कि बहुत ही ज्वलंत है, वो है मादा भ्रूण हत्या, स्त्री भ्रूण हत्या। हमने जैसे देखा है कि अगर स्त्री है, उसका एग्जिस्टेंस है, उसके एग्जिस्टेंस पे बहुत सारी पाबंदी लगाई गई थी, जैसे कि अगर उसका पति मर जाता है तो सती जाना है उसको, या फिर दहेज नहीं लाती है तो उसको जलाया जाएगा, या फिर ऑन समदर ग्राउंड उसको उसके ऊपर अत्याचार करना ही करना है। तो ये सब अत्याचार हम देख रहे हैं कि वो एग्जिस्टेंस में आने के बाद में किए जा रहे हैं, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि बिफोर उसके एग्जिस्टेंस में आने के पहले ही उसको मार दिया जा रहा है, और दैट टू वो भी मदर की माँ की कोख में। तो ये कितना बड़ा मैं तो समझती हूँ ये इट इज द सीन, दिस इज ऑफेंस, और ये ऑफेंस के लिए आजकल हम देख रहे हैं कि मानसिकता ऐसे बनी है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मोस्ट लिटरेट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, दे आर इन्वॉल्व इन दिस सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज। यहाँ पे हम जब आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन ले रहे हैं तो आधुनिक उपकरण भी अस्तित्व में आ गए हैं। जो आधुनिक उपकरण अस्तित्व में इसलिए लाए गए थे कि कोख में क्या बच्चा कैसा है उसकी हालत देखने के लिए सोनोग्राफी वगैरह जैसे उपकरण आए हैं, लेकिन इसका हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, इट इज टू डिमोलिश, इट इज टू फिनिश दैट फेटस। यहां तक भी कुछ कुछ देशों में तो ऐसे हालत है कि यहाँ वहां पे वो फिटस खाने का भी एक प्रैक्टिस है, फिटस खाने का भी एक उनका रूल है। तो वी आर नॉट वेरी फार अवे, हम जब बोल रहे हैं कि एक स्त्री भ्रूण है और उसको हम वहीं के वहीं खत्म कर रहे हैं बिफोर कमिंग इट टू द एग्जिस्टेंस, क्या हम
खुद ही वो खा नहीं रहे हैं. सो दिस इज द वेरी पॉइंट टू थिंक अपॉन. इसके बारे में सोचती हूँ कि जो सेटअप है, माइंड सेटअप, जो सोसाइटी का सेटअप है, इसको बदलना जरूरी है. विदाउट हम कितने भी कानून बनाए, कितना भी कुछ करें, लेकिन अगर हमारा माइंड सेट नहीं बनता, तब तक सोसाइटी में हम कुछ चेंजेस नहीं ला सकते. कानून है, लेकिन कानून का हमारे ऊपर कितना है, हम देख रहे हैं दहेज विरोधी कानून है, हम देख रहे हैं दिस प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन का कानून है, लेकिन वो कानून कहाँ तक, उसका इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है. इम्प्लीमेंटेशन अगर होता है तो दिस इज फॉर दिस एक्टिविटीज. तो कानून बनाने से कोई भी हल नहीं निकलेगा. दिस इज एक सम ग्राउंड पे, सम पॉइंट्स पे हम बोल सकते हैं कि कानून यहाँ पे हम व्यवस्था लाने का कोशिश करेगा, लेकिन जब तक माइंडसेट नहीं बदलता, माइंडसेट ऑफ द सोसाइटी नहीं बदलता, तब तक स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो कम नहीं होंगे. हम देख रहे हैं कि स्त्रियों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो सिर्फ बाहर नहीं होते, घरों में भी होते हैं. जैसे घरेलू हिंसाचार हम जैसे बोलते हैं, जिसमें शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण, ये तीनों के ऊपर उसका एक अत्याचार बनाए जाते हैं. रेगुलर एक्टिविटीज उसमें ऐसा है कि आप घरेलू यानी भाई बहन का रिश्ता है, भाई अपने बहन को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देना चाहता, यानी उसके जो आर्थिक अधिकार है उसके ऊपर रोक लगा रहा है. सो दिस इज कम्स अंडर दैट डोमेस्टिक वायलेंस. उसके आर्थिक अधिकारों का हनन यहाँ पे हो रहा है. व्हाट द ट्रीटमेंट, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को क्या ट्रीटमेंट दे रहा है, दैट इज अगेन मार रहा है, पीट रहा है, इट इज अगेन द डोमेस्टिक वायलेंस. बीच में एक ऐसा एक आंदोलन आया था रिगार्डिंग दिस डोमेस्टिक वायलेंस. यहाँ पे एक उन्होंने एक मीडिया एक छेड़ा था, एक जंग छेड़ी थी, दैट इज नॉक द डोर. नॉक द डोर यानी जैसे हम देखते हैं कि घरेलू हिंसाचार यानी वो घर तक सीमित रहता है. तो यहाँ पे अगर कुछ घरों में अगर ऐसे मारने पीटने के वारदातें हो रही है, तो बाहर वाला या बाजू वाला जो हमारे बाजू में रहते हैं, वो ना कि ऐसे उनकी जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि इनका तो घर का मामला है, तो नॉट टू इंटरफियर इन दैट. ये आंदोलन में ऐसा किया गया है कि जो कोई बाहर वाला रहेगा या फिर जो कोई नेबर रहेगा, ही विल नॉक द डोर ऑफ दैट पर्सन कि तुम्हारे घर के अंदर क्या हो रहा है. दिस इज वॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सोसाइटी. ऐसा नहीं कि हमारे घर का मामला नहीं है. सो दिस इज द प्रॉब्लम और दिस इज द इविल, यू कैन से इट इज अ सोशल इविल. ये हमको कहां तो भी खत्म करना है. तो यू हैव टू टेक दैट इनिशिएटिव. हमको इनिशिएटिव लेना है, हमको नॉक करना है डोर हमारे पड़ोसी का जहां पे ये घरेलू अत्याचार हो रहा है. सो इन दैट वे वी कैन पार्टिसिपेट, वी कैन प्रोटेक्ट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन. घरेलू हिंसा का तो है, बाकी अब जैसे महिलाएं ना सिर्फ उनका घर पे नहीं है, वो बाहर काम के लिए बाहर जा रहे हैं. तो बाहर काम पे जा रहे हैं तो वहां पे भी उनको बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है. और ये परिस्थितियों का सामना करते हुए घर की जिम्मेदारी, बाहर की जिम्मेदारी, ये बच्चे, सो ऐसा जाना गया है या फिर ऐसा देखा सर्वे में ऐसा है कि डिप्रेशन के जो कोई भी पेशेंट्स हैं, तो इसमें ज्यादा डिप्रेशन के पेशेंट सबको ये वुमन दिखते हैं. डिप्रेशन की जो भी दवाइयां बाहर बेची जा रही है उसके ज्यादा ग्राहक महिलाएं हैं. तो इज इट नॉट द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमन. हाँ, स्त्रियां बाहर आ रही हैं एंड स्त्री जब बाहर आ रही है तो फॉर होम शी इज कमिंग आउट ऑफ द होम. इट इज फॉर द फैमिली, इट इज फॉर द सोसाइटी, इट इज फॉर द नेशन. तो जब ये इतना कर रही है लेडी, एक स्त्री इतना कर रही है, सो इज इट नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी टू गिव हर प्रोटेक्शन. सो दिस इज वन मोर थिंग. जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, स्त्रियों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. अभी जब देखा जा रहा है कि थ्रू सोशल मीडिया, नाउ दिस इज अ सोशल मीडिया, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी डेंजरस थिंग.
कि यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि कुछ एडवर्टाइजमेंट्स हैं, ओके विद अ ड्यू रिस्पेक्ट टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द मीडिया, मेरा ऐसा कहना है कि जो एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट लीजिए, इज इट द गारमेंट एडवर्टाइजमेंट, इट इज द फर्नीचर एडवर्टाइजमेंट, वहां पे स्त्री का होना जरूरी है. सो why that woman is required everywhere, वो क्यों चाहिए वहां पे हमेशा कोई भी एडवर्टाइज हो. सो इट इज दैट शोज दैट कि वुमन को एक प्रोडक्ट करके यूज किया जा रहा है. इज इट नॉट द वायोलेशन ऑफ द डिग्निटी ऑफ दैट लेडी, ऑफ द होल क्लास, ऑफ द होल वुमन. So this is one more point that I want to highlight. Again, the nowadays the ये जो हम देख रहे हैं WhatsApp या फिर Facebook, Google, इसका भी एक disadvantage लिया जा रहा है, जिसमें most of the girls and most of the ladies they are exploited और उनका वहाँ पे उनका human rights violation हो रहा है. Nowadays आज के ही पेपर में जब जैसे हमने देखा है कि उबेर कंपनी जिनके अगेंस्ट में बैन लगा दिया गया है, दैट एक ड्राइवर रेप में इन्वॉल्व था, वन ऑफ द कस्टमर ही वाज टेकिंग दैट कस्टमर और वो कस्टमर पे उसने रेप किया. सो इन दैट केस अभी सरकार बोल रही है कि उनके ऊपर बंदी लगा दिया जाए, जो टैक्सीज है उनके ऊपर बंदी लगाई जाए. लेकिन सिर्फ बंदी लगाना क्या ये उसका सोल्यूशन है, ऐसा मेरा एक सवाल है. यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि सिर्फ बंदी लगाने से क्या ये इसका सॉल्यूशन मिलेगा. रेप विथ दैट इज रेप विथ मर्डर, इसके बहुत सारे वारदातें आ रही हैं. वो लेडी इंडियन हो या फिर दैट लेडी इज अ फॉरेनर, लेकिन इसके वारदातें जैसे तंदूर कांड है, निठारी कांड है, निर्भया कांड है, तो इसके वारदातें इसमें बढ़ोतरी ही है, उसमें कुछ कम नहीं हो रहा है. मीडिया जो भी जैसा भी एज अ प्रोडक्ट करके सोशल मीडिया है या फिर एनी मीडिया जो प्रसार माध्यम है, वो जो स्त्री को कैसा एक प्रोटेक्ट एक दिखा रहे हैं, मेरा ये कहना है कि जब हम बोलते हैं कि प्रसार माध्यम दीज आर द पिलर्स, फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट, तो ये प्रसार माध्यम कहीं पे अपने ड्यूटी में फेल तो नहीं हो रहे हैं, क्या वो अपने उद्देश्य से कहीं डाइवर्ट तो नहीं हो रहे हैं. दिस इज वन मोर पॉइंट विच आई वांट टू पुट बिफोर यू. यहाँ पे एथिकल डिग्रेडेशन तो हो ही रहा है, इससे मैं कहना चाहूंगी कि ये काम है यहाँ पे मौजूद जो भी कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है या फिर एनजीओस है, इनका काम बनता है कि वो अगर कुछ प्रसार माध्यम ऐसे काम कर रहे हैं तो वहाँ जाके मिले, एडिटर से मिले, उनको ऐसी चीजें ना दिखाने के लिए थोड़ा सा प्रेशर डालें. यहाँ पे हम देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी स्टेट के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वैसे कानून बनाए या फिर वैसे योजनाएं डालें, तो अंडर दैट वी कैन पुट द प्रेशर ऑन द स्टेट ऑल्सो कि ये जैसे जो भी कुछ हो रहा है जिसमें ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है तो इसके ऊपर निर्बंध लगाया जाए, सो दैट वी कैन प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द ह्यूमन एंड वी कैन प्रोटेक्ट द हर राइट टू हैव वेरी डिग्निफाइड लाइफ और द डिग्निटी. वन ऑफ द मेजर इश्यूज लाइक द प्रोस्टिट्यूशन भी है इसमें, या फिर हम जैसे बोल सकते हैं कि अभी आजकल प्रोस्टिट्यूशन ये भी एक मुद्दा आ रहा है. जैसे आजकल कोई कॉन्फ्रेंस है, यूथ कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेटेड ये रेड लाइट एरिया में पाए जाते हैं. सो दिस इज नॉट द वार्निंग, दिस इज नॉट द अलार्मिंग सिचुएशन, ये इट इज अलार्मिंग सिचुएशन कि हमारा यूथ अब कहाँ जा रहा है. सो इट इज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम आई हैव टू मेक अदरवाइज आई एम वेरी प्लीज टू हैव द वेरी डायलॉग दैट इज द मुझे अपने पॉइंट्स रखने के लिए ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है. उसमें एक मैं एक और बात आपके सामने प्रस्तुत रख रही हूँ, जैसे कि व्हाट इज द रोल प्लेड बाय द शराब. शराब का एक जो है दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू हैव द इंक्रीज रेट ऑफ द क्राइम्स अगेंस्ट वुमन, यानी वुमन के अगेंस्ट में क्राइम होने का शराब ये एक वन ऑफ द मोस्ट रीजन है. उसके बारे में गवर्नमेंट क्या कर रही है,
हमने देखा गया है कि आजकल वृद्धाश्रम आ रहे हैं, तो वृद्धाश्रमों में स्त्रियों की संख्या भी बहुत है। तो वृद्धाश्रम जैसे बोलते हैं कि लोग अपने बच्चों को पालते हैं बड़ा करते हैं, तो इसलिए क्या कि जब नौकरी लग जाए तो NRI हो जाए और बाहर चले जाए और यहाँ पे माँ बाप को पैसे भेजे। एंड इज इट द थिंग दैट दे आर डिस्चार्जिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो दीज आर द सम ऑफ द इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज है, बहुत सारे सवाल है जो सवाल मैंने आप सभी माननीय सिटीजन्स के सामने रख दिए हैं। नाउ द थिंग इज दैट ये ह्यूमन राइट्स हनन जो वायलेशन हो रहा है उसके बारे में हमको अवेयरनेस लाना है, एंड टू सेलिब्रेट द ह्यूमन राइट्स डे इट शुड नॉट बी जस्ट द सिम्बॉलिक, एक ऐसा सिम्बॉलिक नहीं होना चाहिए कि जस्ट हम लोग आए हमने कुछ तो भी डिस्कशन किया। सो इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू गो फर्दर, एंड द पर्सन दोज हु आर द ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड द NGOs भी है, जो भी है वो NGOs ये सब सामने, ये सब मुद्दे सामने लाए और वो थ्रू प्रोसीजर वो सब मुद्दे गवर्नमेंट के सामने लाए या फिर जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उनके सामने लाए, उनके लिए लड़े। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट इज द वी कैन से दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल ऑफ अस इंक्लूडिंग माई सेल्फ इंक्लूडिंग योर सेल्फ इंक्लूडिंग एवरीबडी दैट कि स्त्रियों के प्रति जो भी वायलेशन हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, तो उनके प्रति हम सदैव जागरूक रहे, हनन ना होने दे। इट इज टू प्रोटेक्ट द वुमन, वुमन के प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज इफ द वुमन आर इन एग्जिस्टेंस तो जो निसर्ग का जो चक्र चल रहा है वो बराबर चलता रहेगा, अदरवाइज देर विल नॉट बी द सिचुएशन इज नॉट वेरी फार अवे कि उसमें असमतोल आ जाएगा और देर विल बी नो वेयर। थैंक यू, थैंक यू वन एंड ऑल।